This news is co-sponsored by Healthy Muscle, 100% authentic supplement store, and Ashi, the fashion studio. विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जाने वाली है, यह जनता का विश्वास खो चुकी है। सरकार कर्ज की सीमा बढ़ाने जा रही है, महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान हो गई है। महिला सुरक्षा की बात करने वाली इस सरकार के कार्यकाल में 1574 रेप व 354 मर्डर हुए। पुलिस भर्ती का मामला सीबीआई को देने के बावजूद इसकी जांच एसआईटी से करवाई गई। उन्होंने कहा कि यह पर्चा लीक नहीं, नीलाम हुआ है। आज ही अखबारों में छपा है कि जो इसके लिए कानून निर्धारित है, एफआरबीएम कानून जो है, उसमें छूट लेने के लिए जो है सरकार विधानसभा के पास आ रही है। आज की अखबारों की तो वो सुर्खियाँ हैं। तो जब ये एफआरबीएम का कानून में छूट के लिए प्रयास कर रही है सरकार, जब इनकी जो पीछे फाइनेंशियल बजट आया था उसमें इन्होंने कहा था बाय द ईयर एंड जो है हमारा 17,000 करोड़ का बजट होगा, इस एंड तक जो है आप देखें कि क्या 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 क्या, क्या स्थिति बन जाएगी। आप देखें कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जो हवाई अड्डा था, हवाई अड्डे की अभी जमीन भी अधिग्रहण नहीं हुई, अभी तक जो वहाँ पे जो है किसी को मुआवजा नहीं दिया गया, केंद्र से कोई पैसा नहीं आया। ऐसे तो इनके ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नेशनल हाईवे इन्होंने कोई नहीं बनाया है, 4 लेन इन्होंने कोई नहीं बनाया, रेल लाइन इन्होंने कोई नहीं बनाई, हवाई अड्डा इन्होंने कोई नहीं बनाया, और जो है जनता पूरी तरह त्रस्त है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप छोड़िए, मंडी का शिव धाम आप देखो बना रहे हैं, 18 करोड़ रुपये का टेंडर था, उसको जो है 38 करोड़ का दे दिया। ये जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, ऐसा है मंत्रियों के कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष में बैठी है, कांग्रेस पार्टी पे क्या बोलना है? आपके 5 साल को लेके जो है उस पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, आपके पास उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है, जब आपने किया ही नहीं, जब आपने जो दृष्टि पत्र दिया था जब आपने उस पे अमल नहीं किया। दृष्टि पत्र में आपने कहा था 1 लाख नौकरियां देंगे हर साल, आप नहीं दे पाए। आपने जो है महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, आप नहीं कर पाए। आप नशे को नियंत्रण की बात की थी, आप नहीं कर पाए। आपने जो है ये कहा था कि यहाँ पे माइनिंग को जो है पूरी तरह नियंत्रित कर देंगे, जबकि माइनिंग का लूट का कारोबार जो है सैकड़ों गुना फैल गया है, और सरकार के जेर साया जो है खुली लूट हुई है, और सरकार और इनके लोगों ने की है। ये सारे मसले जो थे, और जो कानून व्यवस्था की हालत ख़राब हुई है, ख़ास तौर पे जिस ढंग से मर्डर हो रहे हैं, जिस ढंग से कत्ल हो रहे हैं, जिस ढंग से रेप हो रहे हैं, जिस ढंग से मोलेस्टेशंस हो रही हैं, जिस ढंग से ईव टीजिंग हो रही है, जिस ढंग से क्रुएलिटी टू विमेन का मसला है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट मामले हैं। वो उन चीज़ों पर ये कोई बात करना नहीं चाहते, इनकी नज़र में ये मसले बहुत छोटे हैं, ये बार बार ये कह रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पेपर लीक का मामला जैसे ही उनके संज्ञान में आया तुरंत जांच के आदेश दिए गए। 204 आरोपी आज सलाखों के पीछे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 में कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुआ, कांग्रेस ने तब पेपर रद्द क्यों नहीं किया? उनकी सरकार में 2019 में हुए पेपर लीक के बाद लिखित परीक्षा रद्द की गयी। स्वाभाविक रूप से देखिए, चुनाव से पहले का सत्र है और मैं पिछले 25 वर्षों से इस बात को हमेशा देखता हूं कि जब अंतिम वर्ष होता है, अंतिम वर्ष में खासतौर से ये मानसून सत्र होता है, इसके पश्चात क्योंकि हमारा विधानसभा का चुनाव का दौर शुरू हो जाता है, तो ये काफ़ी अग्रेसिव होता है और विपक्ष बहुत सारे प्रश्न खड़े करने की कोशिश करता है, और उसके साथ साथ में जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो वर्ग ऐसे होते हैं जिनको कुछ इशूज़ को लेकर के अपनी बात कहनी होती है, वो सब लोग मिलते हैं। तो खास तौर से अब के इस सत्र में कांग्रेस ने जरूरत तो की और वो नियम के मुताबिक किया, उसमें हमको कुछ टिप्पणी करनी भी नहीं है अविश्वास प्रस्ताव लाने की सरकार के खिलाफ, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो सारा का सारा उन पर भारी पड़ता जा रहा है, उल्टा पड़ता जा रहा है, और जिस प्रकार से वो सारे जिन विषयों को लेकर के सड़कों पर हल्ला डालने की कोशिश कर रहे थे, आज विधानसभा के अंदर पूरी तरह से असफल हुए सारी बातों का वहां पर प्रस्तुतीकरण करने के लिए प्रयास किया,
लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब सरकार की ओर से उनको सभी माननीय सदस्यों ने, माननीय हमारे मंत्रियों ने, विधायकों ने दिया है। अभी 3 बजे तक उस पर डिस्कशन होनी है, लेकिन मैं कुल मिलाकर के अभी तक के इस दौर में जो फर्स्ट हाफ का जो हमारा डिस्कशन का जो दौर देखा मैंने अविश्वास प्रस्ताव पर, वो कांग्रेस को उल्टा पड़ा है, भारी पड़ा है, और उनके ही साथी इस बात को कह रहे हैं कि लाभ के बजाय नुकसान होता दिख रहा है। ऋण की बात कही, एक उठता है वो कहता है 70,000 करोड़ का, दूसरा उठता है 80,000 का, तीसरा उठता है 90,000 करोड़ का। यानी कि कम से कम विधानसभा के सदस्य होने के नाते, विधायक होने के नाते जिम्मेवारी के साथ तो कहो, अभी हमारा 65,000 करोड़ से भी कम का ऋण है, ये फैक्ट्स है। और ये भी सच्चाई है, जिसका मैं जिक्र वहां पर माननीय सदन में कर भी रहा था आज, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वृद्धि दर इनके समय में कांग्रेस की गवर्नमेंट में 67% थी, और ऋण की वृद्धि दर हमारे समय में 35% है। इस बात को भी उनको देखना, और उनके दौर में तो कोविड का दौर था ही नहीं, हमने कोविड का दौर झेला और कोविड के कारण प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत प्रभाव पड़ा, उसके बावजूद भी हमने ऋण को कम लेने की कोशिश की है। और ये भी मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूँ कि हम 2021-22 में जो भारत सरकार की जो हमको अनुमति थी ऋण लेने की, उस ऋण लेने की अनुमति से जितना जो हमारी लाइन थी जहाँ पर हम जितना ले सकते थे, उससे हमने खुले बाजार से 5,384 करोड़ रुपए का कम ऋण लिया, जो ले सकते थे हमने नहीं लिया, हमने कहा जो जरूरत है उतना ही लेंगे, और 5,384 करोड़ रुपए जो हम ले सकते थे ऋण, जो हमारे लिए केंद्र सरकार की ओर से जो परमिसिबल एक लिमिट थी, उस परमिसिबल लिमिट से हमने कम किया है। इस बात को भी उनको समझना चाहिए, ये शोर डालना। दूसरी बात, जिन मुद्दों को लेकर के वो हमेशा बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारियों के विषय है, बेहतर जो किया जा सकता था हर वर्ग के लिए वो हमने करने की कोशिश की। हमने अपनी ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए कर्मचारियों के तमाम इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, उसमें हम सफल भी हुए हैं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।